आज नामांकन का आखिरी दिन है, प्रत्याशियों के नामांकन का आखिरी दिन। गढ़ी सांपला किलोई से पर्चा दाखिल करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नौक्षम चौधरी पुनहाना विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल करेंगी। नामांकन के दौरान सीएम मनोहर लाल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और तो शाम से कांग्रेस प्रत्याशी किरण चौधरी अपना पर्चा दाखिल करेंगी, तो वहीं झज्जर से नामांकन दाखिल करेंगी गीता भुक्कल। दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला भी आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। तो हर एक पार्टी के बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज भी आपको आज कार्यालयों के बाहर दिखाई देंगे, क्योंकि आज नामांकन पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन है। बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस की जो लिस्ट है काफी देरी से आई और अन्य पार्टियों की लिस्ट में भी काफी माथा पच्ची सी देखी गई, और इसलिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। सभी लोगों के जो नामांकन है ज्यादातर अमूमन अभी भरे जाने हैं, तो इसलिए आज आपको कार्यालयों के बाहर समय समय पर समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिलेगा अलग अलग प्रत्याशियों के। ये बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें, आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इम्तिहान की तारीख आ चुकी है, फैसला जनता के हाथ में है और आज सभी प्रत्याशी अपना एडमिट कार्ड लेने पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि प्रत्याशियों के नामांकन का आज आखिरी दिन है। अशोक अरोड़ा थानेसर विधानसभा से अपना नामांकन भरेंगे कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ। इससे पहले बैठक होगी। फिरोजपुर जिरका से अगर बात की जाए तो आपको बता दें आज प्रत्याशी जो हैं नामांकन पत्र अपना भरेंगे। रादौर से बीजेपी प्रत्याशी करणदेव कंबोज पर्चा दाखिल करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी बिशनलाल सैनी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तिगांव विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें अशोक अरोड़ा थानेसर विधानसभा से और कार्यकर्ताओं के साथ उससे पहले बैठक होगी।